बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप विराज हैं तो विराज जाइए। श्री गणेश घोगरा। माननीय सभापति महोदय जी, मुझे मांग संख्या 37 कृषि एवं मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लंबे समय से हमारी मांग थी कि डूंगरपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोला गया। हमारे युवा साथी कई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके छोड़ देते थे, तो कृषि महाविद्यालय खुलने से काफ़ी हमारे युवाओं को फायदा मिलेगा और कृषि के बारे में उनको जानकारी और कृषि की उन्नत में अच्छे कृषि उपज अच्छी होगी। मैं सभापति महोदय जी आपसे कहना चाहूँगा, पूर्व की सरकार ने तो वो मक्का के कीट बंद कर दिए थे, लेकिन हमारी सरकार आई, हमारे मुख्यमंत्री जी और जनजाति मंत्री ने TAD मद से जनजाति कृषकों को निःशुल्क कीट वितरण किया। उसी के साथ ही मैं कहना चाहूँगा, मैं क्षेत्र में गया, वहाँ पर कई लोगों ने दूसरों ने भी ज्ञापन दिया कि ST को तो आप कीट दे रहे हैं, मकाई का दूसरे बीज दे रहे हैं निःशुल्क, तो हमें भी SC के OBC के जैसे पाटीदार हैं, अन्य वर्ग जो खेती कर रहा है वो भी चाहते हैं कि हमें भी निःशुल्क बीज वितरण किया जाए। तो कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि TSP की तर्ज पर दूसरे भी जो काश्तकार हैं हमारे SC OBC और अन्य वर्ग जो खेती कर रहे हैं उनको भी आप निःशुल्क बीज उपलब्ध कराएं। इसी के साथ ही सभापति महोदय जी, हमारे वहाँ पर कोई ऐसा बड़ा तालाब नहीं है जिससे सिंचाई की सुविधा हो सके, वहाँ छोटे छोटे मोटे तालाब हैं, छोटे मोटे एनीकट हैं। तो मैं सभापति महोदय जी कहना चाहूँगा कि पुराने कुओं को गहरा किया जाए और पक्की मुंडे किए जाए, तो वहाँ लोगों को सुविधा सिंचाई की हो सके। और हमारा भौगोलिक क्षेत्र यहाँ का समतल एरिया है, हमारे उबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो सिंचाई वहाँ क्यारियाँ भी सही नहीं बन सकती है। तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पर ड्रिप सिस्टम से, फुहारा सिस्टम से वो सिंचाई हो सके, इसके लिए 90% का अनुदान कृषक को मिले तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ ही जैविक खेती पर जोर दिया जाए। सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहूँगा कि पहले ज़माने में गोबर की खाद डालते थे खेत में, अब वो रसायन खाद, कई बीजोपचार, कई प्रकार की दवाइयाँ डालते हैं, तो इससे ज़मीन भी बिगड़ रही है और वो अनाज भी बिगड़ रहा है जो पैदा हो रहा है। वो ज़्यादा डाल देते एकदम पैदा हो जाता है, ज़्यादा पैदा होने की वजह से इससे ये जो अनाज पैदा हो रहा है जो रसायन, उससे कई प्रकार की बीमारियाँ हो रही है, किसी को BP हो रही है, किसी को शुगर हो रही है, कई प्रकार की बीमारी हो रही है। पहले देसी खाद जो गाय का गोबर था, भैंस का गोबर था, उससे खेती की जाती थी, जोत कर की जाती थी, तो वो अच्छी खेती होती थी, अच्छी उपज भी होती थी और अच्छा अनाज भी पैदा होता था, उससे कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती थी। तो मैं मंत्री जी से जैविक खेती पर ज़्यादा जोर दिया जाए, इससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होवे। और इसी के साथ ही मैं सिंचाई की आवश्यकता बहुत काफ़ी है, मेवाड़ा बांध एक बना हुआ है, इसकी नहर बिल्कुल रिपेयरिंग करनी चाहिए, उसकी बिल्कुल सिपेज हो चुकी है जगह जगह पर, और दो आगे और दाई और बाई नहर अधूरी है, तो कई गांव वहां सिंचाई से वंचित रह जाते हैं। तो मंत्री महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मेवाड़ा बांध पर दाई और बाई जो नहर अधूरी है उसको पूरी कराई जाए और रिपेयरिंग कराई जाए। इसी के साथ ही अपर घोड़ी बांध है जो दोनों तरफ बिल्कुल नहर, सर एक मिनट खाली, एक मिनट सर, दोनों नहर सर अधूरी रह चुकी है, इसको भी पूरी कराई जाए। और पशु कैटल सेट, साली एक मिनट सर, मेरे को पहले भी आपने बिठा दिया, पशु कैटल सेट बनाए जाए। हमारे वहाँ एक झोपड़े में इंसान खाट लगा के यहाँ सो रहा है और पशु भी वहाँ ही बांध रहा है और वहीं इंसान पशु गोबर भी वहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति है। तो नरेगा के माध्यम से, किसी माध्यम से केटल सेट बनाए जाए, जब बारिश आती है तो या तो पशु बाहर उस बन रहा है उसके झोपड़े के बाहर, कभी बिजली गिरती है बारिश में पशु वहाँ रहता है। तो मेरा निवेदन है सभापति महोदय जी, केटल सेट नरेगा के माध्यम से बनाए जाए या
किसी भी माध्यम से बनाए जाए, उनको केटल सेट पशु के लिए रहने के लिए उनके लिए भी मकान होना चाहिए, इंसान के लिए तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में दे दिया, उधर इंदिरा आवास दे दिया, लेकिन केटल सेट अभी जो निकल नहीं रहे, कुछ निकल रहे कुछ नहीं निकल रहे, ऐसी समस्या में मांग करता हूँ कि केटल सेट भी सभी को मिले, जिस जिस घर पे पशु हैं, मुझे बोलने का मौका दिया।